नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन में आप तमाम साथियों का स्वागत है। और आप तमाम साथियों को मैं ये बात बताना चाह रहा था कि जो 109 बैच का मामला है या मेडिकल इनफिट जो हमारे रेल अप्रेंटिस साथी हो गए मेडिकल में, या इसके अलावा जो C1 और B2 की पोस्टों के लिए जो पास हुए मेडिकल में, उन साथियों को जो अभी तक कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि पोस्ट रिवाइज के नाम पे हम लोगों की पोस्टें कम कर दी गई, जिसकी वजह से C1 और B2 की पोस्टों के जो हमारे साथी हैं वो अभी तक उन लोगों का कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। और इसके अलावा जो लोहार जाति का मामला है, बिहार की ऐसी तमाम जातियां जो 5 जातियां इस तरीके से फंसी हैं, जो SC ST OBC के बीच में जो है रह गई हैं, तो और इसके अलावा जो सीटें हैं जहाँ पे हमारे रेल अप्रेंटिस साथी ज़्यादा से ज़्यादा पास हो गए हैं, और सीटें वहाँ पे कम हैं जहाँ पे हमारे साथी अभी तक पोस्टें वैकेंट रह गई हैं, पोस्टें ज़्यादा कम हैं और साथी ज़्यादा हैं, तो उन लोगों के मामला है। तो इन सब मामलों को लेकर के मैं कल AIRF के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्र जी से मुलाकात भी किया था, और महामंत्री जी से मैंने इन सब चीज़ों को लेकर के डिस्कशन भी किया, और रेल अप्रेंटिसेस की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को उनको अवगत भी कराया, जिसमें कुछ सोल्यूशन उन्होंने निकालने की बात भी कही है कि जल्द से जल्द कुछ न कुछ रास्ता आप लोगों के बीच में, इन सभी मुद्दों को जो अभी तक मैंने 5 मुद्दे आप लोगों के बीच में बताए हैं, इन 5 मुद्दों पर कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल के सामने आएगा। और इसमें मैं आप तमाम साथियों से यही बात कहना चाहता हूं कि कृपया धैर्य बना के रखें, जल्द ही कुछ न कुछ ऐसा मार्ग तैयार हो रहा है, कुछ ऐसी कमेटी बन रही है जिसके माध्यम से रेल अप्रेंटिसेस की समस्याओं का कुछ न कुछ निराकरण किया जाएगा। और जो हमारे साथी अभी तक मेडिकल के अनफिट के मामले के हैं, या C1 B2 की पोस्ट के मामले के हैं, या लोहार जाति के मामले के हैं, या इस तरीके से कहीं पे मेडिकल पेंडिंग है या कहीं पे DB पेंडिंग है, उन सभी साथियों से मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन आप सभी साथियों के मुद्दों पर बेहतर तरीके से जो है जानकारी भी ले रहा है, और जानकारी लेने के बाद में अपने सारे सोल्यूशन निकालने के रास्ते को भी तैयार कर रहा है, और जल्द से जल्द आप लोगों के सोल्यूशन भी सॉल्व होंगे, ऐसा मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। और इसके अलावा आप तमाम साथियों से मैं काफी लंबे समय से लाइव आकर के बात भी नहीं किया था, आज आवश्यकता है कि किस तरीके से हम लोगों की आपस में वार्ता होनी चाहिए और किस तरीके से आगे की लड़ाई को लड़ना चाहिए, जिससे ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन में हमारे जितने भी रेल अप्रेंटिस साथी हैं जिनका अभी तक समायोजन नहीं हो पाया है, या कुछ ऐसे साथी हैं जो हमारे परेशान होकर घूम रहे हैं और इधर उधर छटपटा रहे हैं, तो आप सभी साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से चंदन भाई ने आज जमालपुर में पोस्टर अभियान के जरिए भारत सरकार रेल मंत्रालय को चेताने का काम किया कि जो हमारी 20,000 पोस्टें हैं वो 20,000 पोस्टें रेल अप्रेंटिसेस के जरिए ही भरी जानी चाहिए, इसके अलावा आप सभी साथी जिस तरीके से कमेंट बॉक्स में GM पावर की बात कर रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं पे बिल्कुल 100% सत्य है कि रेल अप्रेंटिस का अधिकार है GM पावर, 100% हमारा समायोजन होता रहा है, और 5 रुपए की रसीदी टिकट पर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ये रही है। और जब आज कुशल कारीगरों के सम्मान की बात चल रही है, निष्पक्ष और पारदर्शिता की बात चल रही है, तो रेल अप्रेंटिसेस जो परीक्षाएं देकर जो है कुशल कारीगरों का सर्टिफिकेट पा चुके हैं, तो ऐसे में कुशल कारीगरों को जरूर इस प्रक्रिया का लाभ मिलना चाहिए। GM पावर जो हम लोगों की विड्रॉल कर दी गई है वो हमारी वापस की जानी चाहिए, और वापस करते हुए हम लोगों को GM पावर के थ्रू लिया जाना चाहिए। परंतु साथियों ये एक लड़ाई है, और इस लड़ाई का हल और इस लड़ाई का अंत आप सभी साथियों के सहयोग से, आप सभी साथियों के अथक प्रयासों से ही सॉल्व किया जा सकता है। और ऐसे में आप सभी साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा था कि बहुत जल्द अभी हम चंदन भरत और जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो सभी लीडर्स मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं कि आगे किस तरीके की रणनीति को तैयार किया जाना चाहिए, जिससे ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के सभी साथियों को जो है लाभ मिल सके, और आने वाले समय में अप्रेंटिसेस रेल अप्रेंटिसेस का भविष्य जो है वो उज्जवल रहे, और सदैव उन लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सॉल्व हों। तो ऐसे में आप सभी साथियों से मैं कुछ चंद बातें ये भी करना चाहता हूं कि जो हमारे साथी सफल हो गए हैं वो सभी साथी भी जो है कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके की जो जोन वाइज कमियां हैं, जो जोन वाइज समस्याएं आ रही हैं, आप सभी साथी भी जोन वाइज जो समस्याएं आप लोगों के बीच में आ रही हैं उसका भी कुछ ना कुछ बताते रहिए, जिससे
किसी भी रेल अप्रेंटिस को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और ऐसे में आप तमाम साथियों को आज शाम को जो है एक ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए बोला गया है, उसमें आप सभी साथी जो सफल हो गए हैं और जो हमारे इंतजार में बैठे हुए साथी हैं, जो हमारे मेडिकल कैंडिडेट्स हैं जो पेंडिंग हैं, या जो भी कोई साथी हैं, सभी साथी बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का सहयोग करिए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जिस तरीके से एकता के बल पे हम सभी साथियों ने पिछली बार संघर्ष के जरिए जो रास्ता तैयार किया था, उससे कम से कम 8 से 10 हजार रेल अप्रेंटिसेस का रेल में भविष्य तय हुआ है। और अगर आप तमाम साथी अगर बेहतर तरीके से इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जल्द ही सभी रेल अप्रेंटिसेस को कुछ ना कुछ मार्क जरूर मिलेगा। 109 बैच का जो मामला है उस मामले को लेकर के जो रेल मंत्री जी से या सीआरपी जी से महामंत्री जी ने इसका विशेष समर्थन करते हुए भी ये बात रखी है कि किसी भी तरीके से इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। जो बच्चे अभी तक पास हो गए हैं, जो ओपन मार्केट से भी जिनके नंबर ठीक आए हैं, जो ओपन मार्केट में बेचारे जो 109 बैच के लड़कों को लेकर के कल जो चर्चा हुई, इसमें यह भी चर्चा हुई कि ओपन मार्केट से अगर ये एग्जाम देते तो उनके इतने नंबर आए हुए हैं कि वो ओपन मार्केट से पीटी निकाल करके भी रेल में रोजगार पा सकते थे, परंतु रेल अप्रेंटिस का होने की वजह से उनकी पीटी नहीं हुई। पीटी नहीं होने से वो ना इधर में रह गए ना उधर में रह गए, इसमें उनका भविष्य भी बेकार हुआ है। तो ऐसे में गंभीरता से महामंत्री जी ने इस बात को समझा है और समझते हुए मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी कुछ बेहतर विकल्प 109 बैच के लिए निकल पाएगा वो जरूर निकाला जाएगा। और मेरे से मेमोरेंडम मांगा गया है रेल अप्रेंटिसेस के विषय में जो भी अभी तक ज्वाइनिंग को लेकर के परेशानियां हो रही हैं, और कल शाम तक मैं सारे मुद्दों को बना करके मेमोरेंडम सबमिट कर दूंगा। और ऐसे में आप तमाम साथियों से मैं भी ये बात कहना चाह रहा था कि जो भी कोई मुद्दा इन 5 मुद्दों को, जैसे मैंने 109 बैच का मुद्दा बोला या मेडिकल एनफिट का मुद्दा बोला या C1B2 का मुद्दा बोला या लोहार जाति का मुद्दा बोला या जिसके अलावा जहां पे सीटें कम थी और अप्रेंटिसेस ज्यादा पास हो गए हैं, इसके अलावा अगर और कोई केस आप लोगों को लगता है कि जो कल के मेमोरेंडम में मुझे सबमिट करने से पहले और लिख देना चाहिए, तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है उन अपनी चीजों को भी जरूर अवगत कराएं ताकि एक बेहतर मेमोरेंडम तैयार हो सके और इससे रेल अप्रेंटिसेस की जो समस्याएं सामने आ रही हैं वो समस्याएं भी कुछ न कुछ उसका निराकरण निकले। और आशा करते हैं कि आप सभी साथी अपने भविष्य के साथ जागरूक रहेंगे और ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन लंबे संघर्ष के बाद जो है कुछ न कुछ एक मुकाम को हासिल किया जिससे कम से कम 10,000 रेल अप्रेंटिसेस का रेल में भविष्य तय हुआ है। और अगर आप सभी साथी इस तरीके से सहयोग करते रहेंगे तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है एक दिन एक एक रेल अप्रेंटिस रेल में जरूर रोजगार पाएगा। धन्यवाद।